वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। यूजुअली मैं कमोडिटी का एनालिसिस देता हूं, बट इस वीक से मैं निफ्टी का भी एनालिसिस दूंगा, वो भी वीकली। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर डेली एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा, बट फिलहाल मैं निफ्टी का वीकली ही अपडेट दूंगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ये एकदम फ्री है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको मेरे रोज़ जो मैं कमोडिटी के वीडियो बनाता हूँ वो आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आप निफ्टी के फ्री कॉल्स चाहते हो जो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीक से शुरू कर रखे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नीचे मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इनफैक्ट हमने जो लास्ट वीक सेल किया था वो यहाँ किया था 11,700 पे और 11,400 पे बुक कर लिया था। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट हमने निफ्टी में बुक किए थे। आप भी फ्री के कॉल्स ले सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी फ्राइडे को हमने सेलिंग किया है 11,345 फ्यूचर में। ये जो चार्ट है ये स्पॉट का चार्ट है, तो चलिए इसका लेवल्स और एनालिसिस शुरू करते हैं। मेजर मार्केट में जो सेलिंग आई वो डाउ जोन्स की वजह से आ रखी है। लास्ट वीक डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे आ चुका है और आप देखोगे तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट 600 पॉइंट ही नीचे आई है। यूजुअली निफ्टी को ज़्यादा नीचे आ जाना चाहिए था, बिकॉज USD INR काफ़ी ऊपर आ चुका है। 69 रुपये था वो, लेकिन 70 रुपये आ चुका है। रुपये अपना काफ़ी कमज़ोर हो रहा है, जिसकी वजह से और सेलिंग आनी चाहिए थी, बट मुझे लग रहा है कि अभी जो इलेक्शन की वजह से मार्केट थोड़ा रुका हुआ है। एक बार इलेक्शन हो जाए, रिजल्ट आ जाए 23-24 मई के बाद, मार्केट वापस से टेक्निकल्स पे चलेगी। और ज़्यादा जो एक वॉलीटिलिटी आ चुकी है मार्केट में, बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी चल रही है मार्च अप्रैल से, वो थोड़ी कम हो जाएगी रिजल्ट के बाद, जब क्लियर हो जाएगा किसकी सरकार बननी है। तो अभी फिलहाल जो मार्केट का व्यू है वो अभी मेरा वीक ही रहेगा। 11,250 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो इस वीक के मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूँ। ध्यान रखिएगा ये वीकली लेवल्स और रेजिस्टेंस है, अगर इन लेवल्स के नीचे या ऊपर क्लोजिंग हुई तो मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। चलिए इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं निफ्टी के। निफ्टी का सपोर्ट है 10,980। ये स्पॉट है, ध्यान रखिएगा, निफ्टी का स्पॉट के लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ। फ्यूचर के लेवल डिफरेंट होते हैं, बट स्पॉट जो है वो एक्सपायर नहीं होता है तो, और उसको चेंज भी नहीं होता है, तो आप स्पॉट से हमेशा कैलकुलेट करें सारा एनालिसिस, तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। 10,980 का सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस 10,430 रहेगा। अब 10,430 के ऊपर मार्केट निकला और क्लोज हो गया तो 11,430 के ऊपर मार्केट निकला और क्लोज हो गया तो 11,760 और 12,000 भी जा सकता है। ध्यान रखिएगा 11,430 बहुत ही क्रूशल रेजिस्टेंस है, जो मार्केट में अब रेजिस्टेंस का पॉजिटिव रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब अगर आपको सेलिंग करनी है तो वो आप स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हो। और 10,980 एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है। 10,980 के नीचे मार्केट निकला और क्लोज हो गया, ध्यान रखिए मेजर कीवर्ड है क्लोज। अगर 10,980 के नीचे क्लोज हो गया तो 10,500 और 10,000 भी जा सकता है। जी हाँ, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ 10,000 भी जा सकता है अगर 10,980 के नीचे क्लोज हो गया तो। चलिए ये हो गए निफ्टी के लेवल्स। अगर आपको मेरे फ्री कॉल्स लेने हैं निफ्टी के तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको इससे मेरे वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक करें। चलिए मंडे वापस से कमोडिटी अपडेट्स होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।